गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने एक्सरसाइज भी शुरू किया था जिसमें हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला किया था। तो आज से हम शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्या है हमारा? ऑन 22nd December द सन रेज आर वर्टिकल एट ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन होता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ TROPIC ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन CAPRICON ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देन सेकंड क्या है? 21st March इज नोन एज इक्विनॉक्स। 21st March क्या है? इक्विनॉक्स। देन थर्ड है अर्थ रिवॉल्विड अराउंड द सन। फोर्थ क्या है? फोर्थ है डैश रिसीव द मैक्सिमम हीट। कौन? इक्वेटर पे ज्यादा होता है। इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम हीट देन अदर लैटिट्यूड। अच्छा, देन फिफ्थ क्या है? एट द पोल द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑफ सिक्स मंथ होता है। देन मैच द फॉलोइंग करना है। अब इसके बाद हम करेंगे मैच द फॉलोइंग में क्या है? पहला है विंटर सोल्स्टिक होता है 22nd December से। तो 22nd December को यहां से जोड़ना है। तो लीव ईयर में कितना होता है? 366 डेज होता है। ऑटम इक्विनॉक्स कब से शुरू होता है? ऑटम इक्विनॉक्स होता है 23rd September से। समर सोल्स्टिक 21 जून से। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च से। तो इस तरह से हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें और क्या करना है? ट्रू और फॉल्स को भी करना है। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा ट्रू एंड फॉल्स क्या है? व्हेन द सन रीच इट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इट इज नोन एज विंटर सोल्स्टिक। क्या उसको विंटर सोल्स्टिक कहता है? नहीं कहता। फॉल्स है, ये गलत है। द अर्थ रिवॉल्व इट अराउंड द मून, ये भी गलत है। वन डे इज डिवाइडेड इन टू डे एंड नाइट, ये सही है। 21 मार्च इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बिल्कुल सही है। देन तो आज के लिए आप लोगों को इसी को अपने कॉपी पे लिखना होगा। कल हम आगे का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। कल से हम डिस्कस करेंगे आगे का डिस्कस करेंगे कि और थोड़ा करेगा। बी पार्ट वाला क्या है? आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। अच्छा, answer the following. Which imaginary line passes from the center of the poles and join the two poles? जिसको हम क्या कहते हैं? ये क्या कह रहा है कि which is the imaginary line that passes from the center of the earth and joins the two poles? उसको क्या कहते हैं? Axis कहते हैं। उसको हम कहते हैं axis. तो हम कल करेंगे इसको। हम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए आप यही लिखो।